एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक DIY हेयर मास्क की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो कि मेरे हेयर कितना ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी हो गया है इस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद। एंड आप लोग इस हेयर मास्क को कैटिन मास्क या तो DIY हेयर स्पा भी बोल सकते हो। गाइज, आज जो हेयर मास्क की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे, तो वो एक बहुत ही अमेजिंग सा एक हेयर मास्क है, DIY हेयर मास्क, जो आप लोग इजीली किचन के जो इंग्रेडिएंट है उसके हेल्प से आप लोग घर में इजीली वो हेयर मास्क को अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको जस्ट 30 मिनट्स के अंदर ही इस मेरे हेयर में जो एक स्मूथनेस एंड जो एक शाइनी इफेक्ट आ रहा है, आप सब भी देख सकते हो। एंड उस तरह आप भी अपने हेयर में एक शाइनी, एक ग्लॉसी इफेक्ट भी पा सकते हो इस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद। एंड मेरा जो हेयर है वो पहले से ही केमिकल ट्रीटेड है एंड कलर्ड हेयर है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक हेयर मास्क है। एंड जिन लोगों का जो हेयर बहुत नेचुरली है, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट वो लोग नहीं करवाती है एंड कलर्ड भी नहीं है, वो लोग भी इजीली इस हेयर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यूज़ करने के बाद आपका कोई भी हेयर है वो पहले से ज़्यादा शाइनी, स्मूथ, सिल्की हो जाएगी। एंड अभी पॉल्यूशन की वजह से नॉर्मल हेयर भी डल, डैमेज हो जाती है एंड एक रफनेस हो जाती है। एंड हेयर फॉल की तो प्रॉब्लम हर एक गर्ल्स को होती है, सो गर्ल्स या बॉयज सभी को आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। सो आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, आप भी इस हेयर मास्क को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बहुत ही इजी है इस हेयर मास्क को रेडी करना घर में। आप लोग देख सकते हो कि मेरे हेयर में एक भी नॉट्स नहीं है एंड कोई भी हेयर फॉल नहीं हुआ है, मेरे हाथों में कोई भी हेयर नहीं है। सो बहुत ही इफ़ेक्टिव एक DIY हेयर मास्क। एंड आप लोग इसको एक केराटिन मास्क भी बोल सकते हो, क्योंकि हेयर का जो प्रोटीन है वो है केराटिन। एंड आज मैं जो जो इंग्रेडिएंट इस हेयर मास्क के लिए यूज़ करूँगी वो एक नेचुरल सोर्स है केराटिन का। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ही देखना एंड स्किप मत करना। एंड आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट करके भी बताना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ आप लोग एक लाइक भी कर दीजिए। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेयर मास्क को रेडी करने के लिए एक बोल में पहले दही लेना है एंड दही को बहुत ही अच्छे से बीट करना है ताकि दही पूरा स्मूथ हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो दही पूरा स्मूथ हो गया है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एक एग, तो मैं फुल एग ही आज यूज़ करूँगी। मैं एग योक को साइड करके नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे पूरा एग ही यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि एग योक में बहुत सारा प्रोटीन रहता है। तो मैं एग को बहुत ही अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल, आप इसके अंदर कस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास आज नहीं है तो मैं कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। फिर उसको भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विटामिन ई का कैप्सूल एंड इसका जो ऑयल है उसको भी बहुत ही अच्छे से मिक्सचर के साथ मिक्स करना है। तो मैंने हेयर मास्क को रेडी कर लिया है एंड इसको बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटना है ताकि जो जो चीज़ इसके अंदर है वो सब एक साथ अच्छे से मिल जाए।
एंड आप लोग देख सकते हो कि मेरा कलर हेयर है एंड इस पर केमिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी है, तो उसके लिए मेरा जो हेयर है वो नीचे से बहुत ज़्यादा रफ एंड डल भी हो चुका है। तो मैं अभी पहले बहुत ही अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। सो मैं अभी मास्क को अप्लाई कर लूँगी, स्कैल्प पर भी अप्लाई करना है एंड हेयर लेंथ पर भी अप्लाई करना है। दही बहुत ही अच्छी तरीक़ों से हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ करती है, डैमेज हेयर को ठीक करती है एंड हेयर को मॉइस्चराइज्ड भी करती है। जो एग है वो बहुत ही अच्छा एक प्रोटीन सोर्स है हेयर के लिए। एग के अंदर केराटिन होता है जो हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, सॉफ्ट एंड स्मूथ करती है। एंड जो कोकोनट ऑयल है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है, डैमेज हेयर को ठीक करती है एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ भी करती है। जो विटामिन ई है वो भी सेम हेयर ग्रोथ में हेल्प करती है एंड हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ करने में हेल्प करती है। सो मैंने अप्लाई कर लिया है मास्क, फिर मैं थोड़ी देर मसाज कर लूँगी ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑन हो जाए एंड जो हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एंड हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करती है। सो मैं अभी हेयर को नॉट करके एंड क्लिप यूज़ करके छोड़ दूँगी 30 मिनट्स के लिए, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगी। सो 30 मिनट्स हो गया है एंड अभी मैं हेयर वॉश कर लूँगी एंड आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है हेयर मास्क। तो अभी नॉर्मल जैसे मैं शैम्पू करती हूँ वैसे ही मैं शैम्पू एंड कंडीशनर अप्लाई कर लूँगी। जो भी आप शैम्पू एंड कंडीशनर अपने हेयर पे अप्लाई करते हो वो ही शैम्पू एंड कंडीशनर आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद। लेकिन शैम्पू को अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से नॉर्मल पानी से हेयर को अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद आप लोग शैम्पू एंड कंडीशनर जैसे यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। सो मैंने हेयर वॉश कर लिया है एंड मैंने हेयर को टॉवल से ड्राई भी कर लिया है। सो मेरे हेयर टॉवल ड्राई तो हो गया है, अब इसे नेचुरली ड्राई होने देना है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो हेयर है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ शाइनी एंड ग्लॉसी हो गया है एंड बहुत अच्छा सा एक रिजल्ट मिल जाएगी आपको इस मास्क को यूज़ करने के बाद एंड आप भी प्लीज़ इसको ट्राई करके देखिए। सो गाइज आप लोगों को कैसी लगी दिस DIY हेयर मास्क की वीडियो एंड आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग अगर इस मास्क को घर में यूज़ करते हो मंथ में एक या दो बार तो आप भी मेरे तरह एक सॉफ्ट शाइनी एंड एक स्मूथ हेयर भी पा सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि हेयर मास्क को यूज़ करने से पहले मेरे जो हेयर है वो कितना डल एंड डैमेज था, उस हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद मेरा जो हेयर है वो कितना सॉफ्ट स्मूथ एंड शाइनी हो गया है। सो आप भी इस हेयर मास्क को घर में इजीली यूज़ कर सकते हो एंड यूज़ करने के बाद आपका भी हेयर सॉफ्ट स्मूथ एंड शाइनी हो जाएगी। सो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोगों का अगर कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।